हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली अग्रवाल और मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार मैंने आप लोगों को अपना लंच रूटीन बताया था, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। और वैसे ही मैं आज आपको अपना डिनर रूटीन बताऊँगी, जो कि मेरे लंच रूटीन की तरह ही बहुत ही सिंपल सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सब्ज़ी पहले से ही काट के रखी हुई है। और इसमें मैं थोड़े से टमाटर भी डालूंगी और हरी मिर्च है वो भी मैंने काट के रखी है। तो देखिए, अब मैं इसे कैसे बनाती हूँ। मैंने कढ़ाई में घी गरम होने रखा है, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, इसमें डालने जा रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा। अब ज़ीरा भुन जाने के बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। और अब मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ शिमला मिर्च। अब मैं इसे चला के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूंगी पनीर। फ्रेंड्स, पनीर जो है मैं घर पर ही बनाना पसंद करती हूँ। कुछ लोग बाज़ार का पसंद करते हैं, लेकिन मैं घर पर ही बनाती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया और सूखा और गरम मसाला और सौंफ। अब मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और ढककर थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। देखिए, दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी सोया चंक की सब्ज़ी। तो देखिए, इसे मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, मैंने घी में थोड़े से सोया चंक्स में थोड़े से भून रही हूँ कुकर में। और अब इसे मैंने पानी में भीगने के लिए रख दिया है। और इस सब्ज़ी में मैं डालूँगी थोड़े से आलू, मटर, टमाटर, जिन्हें मैंने पहले से ही काट के रख दिया है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आलू नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, लेकिन और भी लोग हैं घर में जो कि ये सब्ज़ी खाएंगे, तो उनके हिसाब से भी बनाई है मैंने। इसे बनाने के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा घी डाला है। मैं घी में थोड़ी सी हींग डालूंगी। अब मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा भुनने के बाद मैं डालूंगी थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसे थोड़ा सा चला लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरी मटर, थोड़े से आलू, और सोया चंक्स। मैं इसे थोड़ा सा चला लूंगी कुकर में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अंदाज से। अब देखिए, दूसरी तरफ ये शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है। और ये है सोया चंक्स की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डिनर, जिसमें मैं लेती हूँ सोया चंक्स की सब्ज़ी मैंने बनाई है, और ये पनीर और शिमला मिर्च की बनाई है, और साथ में दही लेती हूँ। दही मैं सादा ही लेना पसंद करती हूँ ज़्यादातर, और इसके साथ मैं लेती हूँ रोटी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा डिनर रूटीन। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।